नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। वाया नदी का बढ़ता जल भताही गांव के लोगों के लिए बना मुसीबत। वैशाली जिला ब्यूरो प्रभंजन कुमार मिश्रा के साथ प्रशांत प्रकाश की रिपोर्ट। वाया नदी कर बढ़ते जलस्तर और तटबंध से हो रहे रिसाव के कारण नदी का पानी अब गांव नदी लगे गांव में प्रवेश कर चुका है। जंदाहा प्रखंड के बिसनपुर बिदौलिया पंचायत के वार्ड नंबर 2 में नदी से लगे दर्जनों घर में नदी का पानी घुस जाने से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। इन घरों में रह रहे लोगों के अब जीविकोपार्जन का संकट बना हुआ है। इसी कड़ी रालोसपा नेता गंगा राय ने इस क्षेत्र के दौरा किया और लोगों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया। 20 दिन से पानी घर में घुसल है, न बैठे के न खड़ा हो के कोई के साधन न हो, न खाना पीना कोई चीज के व्यवस्था नहीं है। वीडियो साहब अलखिन तो देख के चल गए, प्रमुख भी अलखिन तो कहलखिन जो हमसे नहीं होगा। प्रमुख साहब क्या बोले? कि हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। हाँ। क्या मांग किए थे आप प्रमुख साहब से? प्रमुख साहब के कहे कि से जेल रहने के लिए कुछ व्यवस्था करिए, पन्नी उन्नी दीजिए, खाना उना का व्यवस्था करिए, जो हम लोग रहेंगे पानी में कैसे खड़ा होंगे, कैसे बैठेंगे। तो प्रमुख साहब बोले कि से जो हमसे नहीं होगा। तो फिर वीडियो साहब को सूचना नहीं दिए? वीडियो साहब आए थे ग्राम पंचायत के, तो क्या बोले वीडियो साहब? क्या बोले वीडियो साहब? कहे कि हाँ हम जाते हैं तो हम सब व्यवस्था करेंगे। कितना दिन पहले कहे थे? कितना हो गए? 10-15 दिन आईला वीडियो साहब के, वीडियो साहब का आईला 10-15 दिन हो गया है। तो 10-15 दिन पहले आप वीडियो साहब के बताए थे जो हमारे घर में पानी घुस गया है, उसके बाद वीडियो साहब बोले कि क्या बोले? कुछ नहीं, वीडियो साहब बोले कि से जो हम सोचेंगे वहाँ जाएंगे तो विचार करके तो सब लोग को व्यवस्था करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया। तो अभी आप लोग कहाँ रह रहे हैं? अभी स्कूल पर रह रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? रिंकू देवी। पीड़ित परिवार से मिलने आप आए हैं बिदौलिया पंचायत के? बाढ़ पीड़ित पंचायत से सूचना मिलने से पहले हमको मालूम था कि 2 या 3 घर में पानी हुआ जी। हम 15 अधिकारी से बात किए थे जी। चले घर में, यहाँ जब देखे माने ठेहुना घुटना से ऊपर पानी था, हम लोग भी पूरे पीकर के गए हैं। यहाँ 25 घर में लगभग पानी हुआ, लगभग 25 घर में, बढ़ सकता है लेकिन कम नहीं सकता है। लेकिन मुखिया भी नहीं सुने हैं, वीडियो आए घूम के चले गए, प्रमुख आए घूम के चले गए, अब वार्ड मेंबर के तक खाना है। ये लोग क्या अनाज भी नहीं मिलता है इस परिस्थिति में, ना खाने का तो सब कुछ बताए किया है सब लोग, ना खाने के लिए कुछ है। अब कैसे ही घर में सो रहा है, सब भगवान भरोसे सो रहा है। इसमें जीव जंतु सांप उप चलता है, घर में सांप भी रहता तो काट के मर जाता। नदी किनारे घर, लेकिन नदी किनारे घर है, नदी है, पेड़ पौधा है। ये राम भरोसे, भगवान के भरोसे ये लोग अभी महतो परिवार जीवित है। तो ये तो अपने आप पर आंसू आता है, ये सरकार क्या है इसको? सरकार नाम की तो चीज है ही नहीं, सरकार को तो लकवा मार दिया है। अब पदाधिकारी तो है नहीं, समझे ना, पदाधिकारी रहता तन को आंख में दर्द रहता, इसी तरह हमारा परिवार रहता तो क्या होता? आज यदि इस तरह हमारा परिवार रहता, हमारी पत्नी बेटा बेटी रहता, उसको क्या बीतता? सोचने की बात है, अपने से घटना लेना चाहिए ये मैं तभी तो क्या है, है? इसलिए मैं कहता हूं ये बिहार में अफसरशाही है, जनता में मची तबाही है। अफसरशाही नहीं रहता तो बेचारे का कोई सुध नहीं लेता। 20-22 दिन से पानी है, न पन्नी दिया, कहा जे पन्नी देते हैं, तिरपाल देते हैं, ना अनाज मिलता है, डीलर अनाज देता है। इसका व्यवस्था बहुत दिन से पहले हो जाता, 1-2 दिन में व्यवस्था हो जाना चाहिए। मैं अंचलाधिकारी से बात किया हूँ, उनको भी पता नहीं है। तो क्या जब अंचलाधिकारी से बात हुई तो उन्होंने क्या बताया? अरे मैं कहा उनको जो सर हम अथी बिदौलिया पंचायत के वार्ड नंबर 2 में जा रहे हैं, कोई महतो के घर में 2 या 3 घर में पानी, आवेदन लेके आइया। मैं जब यहाँ आया फिर सीओ साहब को लगाए, कहिए सर यहाँ तक 20-25 घर में पानी है, आवेदन लेके गंगा बाबू आइए। इतना हमको आश्वासन दिए, ये लोग से आवेदन लेंगे, जाएंगे बोलो अंचल में। अब वो क्या करेंगे नहीं करेंगे, यहाँ से सब व्हाट्सएप उनको भेज देते हैं, SDO को भेज देते हैं, DM को भी भेज देते हैं। यानी कहीं ना कहीं इनकी सुनवाई गरीब जनता को होनी चाहिए। तो DM के बाद बचा मुख्यमंत्री, या तो घर से नहीं निकलता है। लेकिन हम
इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ये बाया नदी है, ये बाया नदी का बांध नहीं टूटा, लेकिन ये बाया नदी का बांध से ओवरफ्लो कर गया, बांध से ऊपर पानी बह रहा है भर के, नदी के बांध से ओवरफ्लो करके घर में ठेवना भर पानी है, उस पर बांध भी टूटा है। यदि उस पर बांध नहीं टूटा तो यहाँ इतना पानी रहता। 2007 में भी नहीं ऐसा पानी हुआ था। यदि उस पर बांध नहीं टूटता तो ये लोग के घर में, ये घर नहीं है, सब फूसता घर है। आज तक ये सरकार को लज्जा लगना चाहिए, लज्जा लगना चाहिए, देश को इंदिरा आवास नहीं मिला है। कुछ अपना घर में, कुछ अपना जमीन में है, कुछ सरकारी जमीन में है। यदि सरकार नहीं सुनती है, मैं अंचलाधिकारी से बात करूंगा, न अपना गाड़ी यहां से भेजेंगे। 3-4 ट्रैक्टर मेरे चिमनी पर है, लड़का फरका माल जाल सबको ले जाएंगे, टेंट समझना तनवा देंगे, तुम खाना दो, नहीं देगा तो हम खाना देंगे, और साले को बोलो तुम्हें किसी को जाने नहीं। मैं ऐसे पार्टी से आदेश लेकर के, मैं राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रदेश महासचिव गंगा राय बोल रहे हैं, आगे से सिग्नल देंगे, धरना प्रदर्शन सब कुछ करेंगे, मैं इतना आश्वासन लोगों को देता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ गंगा राय, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी प्रदेश महासचिव।